जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के एपिसोड में हम एंजल नंबर 43 के बारे में बात करते हैं, 43 एंजल नंबर के बारे में। आपने तमाम रिसर्च कर लिया होगा, लेकिन आशा है कि एंजल नंबर 43 का आंसर आपको हिंदी में नहीं मिला होगा। इस चैनल पर आपको यूनिक जानकारी मिलती है, बहुत रिसर्च करने के बाद ही कोई भी सटीक आंसर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए। एंजल नंबर 43 आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 और 3 का कंबाइन है, जहाँ दोनों को मिलाकर 7 बनता है। मतलब कि ये 3 नंबर्स आपकी लाइफ पर इफेक्ट डाल रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेंगे, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपके हित में आएगा, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह पर विश्वास करें, वो आपकी लाइफ को हमेशा एक अच्छी डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एंजल नंबर कभी भी गलत नहीं होते। या तो वो सावधान करने आते हैं या फिर आपके आगे के पथ को दिखाने आते हैं। तो यहाँ पर एंजल नंबर जो 4 है, इसमें वो 4 आपकी लाइफ में एक परिवर्तन करने वाला है, क्योंकि उतार चढ़ाव को दिखाता है। आपकी स्थिति थोड़ी अप डाउन रहेगी, जिससे आप परेशान ना हो बल्कि भगवान पर विश्वास रखें। एंजल नंबर जो 3 है वो सफलता देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंजल नंबर जो 4 है पहले से ही मौजूद है, वो नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं, जिसकी वजह से सफलता में थोड़ी अड़चन आ सकती है, जिसकी वजह से आप भगवान से एक प्रार्थना करें कि परमात्मा मेरा हाथ थाम कर रखना, बाकी का मैं संभाल लूंगा। क्योंकि भगवान आपको यूं ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से बड़ा काम करवाने से पहले वो उसे मजबूत बनाना चाहते हैं, और मजबूत बनाने के लिए वो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ताकि इन सिचुएशन से ये निकल कर एक मजबूत आदमी बने, क्योंकि तभी किसी बड़े टारगेट को पूरा कर सकेगा, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति तो टूट कर बिखर जाएगा। इसलिए भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको कोई बड़ा टारगेट पूरा करने के लिए चुना है, और इसी वजह से उतार चढ़ाव की स्थिति को आपकी लाइफ में क्रिएट कर दिया है, जिसे आप मजबूत और दृढ़ बन जाए। इसलिए परेशान ना हो बल्कि ईश्वर को धन्यवाद करें। साथ ही साथ आपको लास्ट में एक परिणाम निकल कर आएगा कि आपकी जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होंगी, क्योंकि जब आदमी परेशानियां झेलकर फिर से खड़ा हो जाता है तो वो एक नई ऊर्जा के साथ और एक दृढ़ ऊर्जा के साथ खड़ा होता है, और उसके अंदर जो सोई हुई शक्तियां थी वो सारी शक्तियां उसके अंदर पुनः जागृत हो जाती हैं, और वो इस दुनिया में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करता है। तो उसी तरह से आपके अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत होंगी। आध्यात्मिक दुनिया में जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की पावर है, भगवान जो खास लोगों को देते हैं, वो पावर्स भी आपके अंदर जागृत हो जाएंगी आने वाले टाइम में, भविष्य में। अब कितनी जागृत होंगी ये आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अपने इष्ट देव को कभी ना भूलें, उनका अर्चना और पूजन करते रहें, ताकि वो आपका हाथ हमेशा थामे रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।